वेलकम है स्टूडेंट सभी का। सो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा की बात करेंगे आज। 1 अक्टूबर को जो रूल चेंज होने वाले हैं उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स आएंगे और जिन स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइलिंग करनी है क्या उनको अक्टूबर से पहले फाइलिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। आज के हमारे गेस्ट हैं सीनियर कंसल्टेंट वीना गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। सो वीना जी, ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंटली कौन कौन से इनटेक्स अवेलेबल हैं और 1 अक्टूबर वाले चेंजेस क्या हैं और किस तरीके से स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं? दीपक जी, 1 अक्टूबर का जो चेंज है वो छोटा सा है, दैट इज़ ए फाइनेंशियल। जो बच्चों के फाइनेंशियल फंड शो करने होते हैं 3 मंथ्स ओल्ड, उसमें कोई आलमोस्ट $3,000 $3,500 का इंक्रीज़ हो गया। पहले 21,000 समथिंग शो करने होते थे, अब उसको बढ़ा के 24,505 का कर दिया। तो ये जो डिफरेंस है 21 और 24 का जो है, कोई आलमोस्ट 3,500 के आसपास का, और इंडियन करेंसी में कहें तो आलमोस्ट कोई 2.25 लाख के आसपास मेरे ख्याल ये फ़र्क पड़ रहा है, 60-70 कुछ इतना। तो बस जितने मतलब बच्चे के अगर पहले 28 लाख शो करने थे तो अब 29.5 लाख 30 लाख के आसपास शो करने हैं। तो ये 1.5-2 लाख मान लीजिए कि ये आपको एक्स्ट्रा शो करना है फाइनेंशियल उसमें। अब लेकिन क्या होगा कि 1 जनवरी के बाद मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ की जो फीस है वो भी, जो उनका एक क्राइटेरिया आलमोस्ट 10% के आसपास, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो नेचुरल है पेरेंट्स की पॉकेट पे थोड़ा प्रेशर पड़ने वाला है कि आने वाले टाइम में जो जैन इनटेक है, आपने एक क्वेश्चन पूछा था इनटेक, अभी नवंबर बहुत छोटा इनटेक चल रहा है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, उसके बाद मेनली जैन इनटेक ही है जनवरी का। तो जो जैन फैब इनटेक है उसके लिए अब जो बच्चों के पास ऑफर लेटर आएंगी, पुरानी आ चुकी ठीक है, नहीं तो नई जो आएंगी अब हो सकता है कुछ फीस बढ़ के आए और आपको जो शो मनी है उसमें कुछ फंड्स आपको एक्स्ट्रा शो करने पड़ेंगे। सो आपको लगता है कि अर्ली फाइल लगाने का कोई फ़ायदा है? अर्ली फाइल लगाने का मान लीजिए जैन के लिए बच्चे के पास ऑफर लेटर है और उसका सारा कुछ हो गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो आज के दिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो GT क्लियर करना। तो GT अगर क्लियर हो गई है तो आप फाइल अपनी, क्योंकि अब तो वो रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि आप कितने टाइम पहले फाइल लगा सकते हो, तो आप फाइल लगा के अपने ये जो शो मनी है वो 1.5-2 लाख रुपए कम में आपका काम हो जाता है, बाकी कोई लंबा चौड़ा आप पे कोई असर और तो है नहीं है इस समय। सो सक्सेस रेट की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंटली सक्सेस रेट कितना चल रहा है? लीनियंट है थोड़ा सा या थोड़ा स्ट्रिक्ट है? ये बीच में है बिल्कुल जी। दीपक जी, मैं तो सबको कहती हूँ इट्स जस्ट लाइक ए स्टॉक मार्केट, कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहती है इनकी। लेकिन अगर प्रोफाइल अच्छा है और कोई गैप नहीं है, आइल्स का बैंड भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर वीज़ा चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे पहले देखने वाली चीज़ है किसी भी चीज़ से पहले, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अगर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बच्चे की अपनी लिखी हुई है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखी हुई है, और 2 पॉइंट मेनली उसमें कवर करने हैं, वो कोर्स क्यों कर रहा है, उस कोर्स को करने के बाद वो कैसे उस कोर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, मीन्स उसकी रिसर्च कितनी है, अगर वो अच्छे से किया हुआ है तो उसके वीज़ा चांसेस 99% है। जो भी वीज़ा रिजेक्ट होने हैं ज़्यादातर उसमें SOP का काफ़ी बड़ा रोल है जी। सो जो स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वीज़ा की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या वो कर सकते हैं, मतलब मेरा मेजर रिफ्यूज़ल के रीजंस कौन कौन से हैं? मैंने आपको अभी बताया ना कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही मेजर जो होता है कि अगर वो वीज़ा ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है या बच्चे ने किसी और से बनवाई है, तो वो कहते हैं कि अगर बच्चे ने खुद बनाई है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक भी करेगा 2-4, तो उन चीज़ों से उनको पता चलता है कि बच्चे ने बनाई है या नहीं बनाई, बच्चे ने सिग्नेचर किए हैं नहीं किए, फाइनेंशियल उसके प्रॉपर कैलकुलेट होने चाहिए, उसकी जो है GT क्लियर है, दैट मीन्स उसने अपना एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक रखा हुआ है, फिर भी रिजेक्शन आ रहा है तो फिर कहीं ना कहीं SOP में ही हम फॉल्ट मानते हैं। अदरवाइज़ आप GT क्लियर नहीं होती, दैट मीन्स कि आपके जो फंड्स हैं वो आपके पास प्रॉपर नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम को अवॉइड कर रहे हैं, बुटीक इनकम को वो अवॉइड कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सेप्ट करते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी की GT अपनी है,
तो अब वो जीटी को भी शायद चेंज करने वाले हैं, वो आने वाले टाइम में और चीज़ें हमें पता चलेंगी। लेकिन रिजेक्शन से बचने के लिए जितना आपका गैप कम होगा, आपकी सैलरी अगर जॉब कर रहे हैं अकाउंट में आ रही है, आपके पास प्रॉपर एक्सपीरियंस लेटर है, अपॉइंटमेंट लेटर है, सब कुछ अगर प्रॉपर जेन्यून है, आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, आपका आइल्स स्कोर अच्छा है, तो वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा है। जी, फिलहाल नवंबर इनटेक के लिए क्या पॉसिबल है स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई करना? मास्टर्स के लिए तो अभी हैं पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अंडर ग्रेड के लिए नहीं है। तो अंडर ग्रेड जो 22 पास आउट वाले हैं उनके लिए तो अब बहुत मुश्किल है। हाँ, कॉलेजेस में उनका एडमिशन हो जाएगा, उनमें भी वीज़ा प्रोबेबिलिटी उतनी ही रहती है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मास्टर्स वालों के लिए और 23 पास आउट वालों के लिए जैन फैब इनटेक है, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है वीना जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में फंड्स को लेकर पूछते हैं। फंड्स को लेकर ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा है काफ़ी स्ट्रिक्ट है, सो फंड्स को लेकर आपकी क्या एडवाइस है जब शो करने हैं फंड्स? देखो, अभी बहुत सारे बैंक्स हैं 20 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। अनसिक्योर्ड मीन्स उनको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अगर उनके घर में कोई भी मेंबर जो है गवर्नमेंट जॉब में है, तो इतने बैंक जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं उस चीज़ को लेके कि 20 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। 10-15 लाख हर स्टूडेंट के घर में कुछ ना कुछ अपनी सेविंग होती है। अगर वो बच्चे को बाहर भेजना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियल तो बहुत इजी है दिखाना, खाली आपको पता होना चाहिए कि आपको फंड शो कैसे करने हैं। अगर आपका लोन हो जाता है और आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ये सब मिलके भी शो कर सकते हैं। ये सब फर्स्ट उसमें आते हैं, जैसे ये सेकंड पार्टी में नहीं आएंगे। अगर ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी तरफ से, चाहे वो नान के से हैं चाहे दाद के से हैं, और ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स, तो मेरे ख्याल अगर 20 लाख का लोन हो जाता है, 10-15 लाख अपने हैं, तो इतना ही फंड चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो मेरे ख्याल इनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, ऑस्ट्रेलिया की फाइल ज़रूर एक एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट से ही लगवाएं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आपके डॉक्यूमेंट्स को बहुत ध्यान से चेक करता है। कोई भी सवाल है, नेविगेटर्स का नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।